हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी ना फ्रेंड्स, ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और हम लोगों के लिए बहुत ही बड़े प्राउड मोमेंट आने वाले हैं फ्रेंड्स। गर्व के मोमेंट आने वाले हैं और खुशियों भरे मोमेंट आने वाले हैं। तो इसमें वीडियो का टाइटल है, जनवरी 2024 में नहीं दिसंबर 2023 तक ही बन जाएगा हमारे राम लल्ला का मंदिर। वैसे तो राम भगवान हमारे परम पिता परमेश्वर है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मतलब राम तो हमारी रग रग में विराजते हैं, लेकिन जब अयोध्या के बात आते हैं ना, तो अयोध्या के वो सुपुत्र थे। तो जब अयोध्या में मंदिर बन रहा है तो उधर हम जरूर लगा सकते हैं राम लल्ला। तो आइए, हमारे राम लल्ला के मंदिर के बारे में ये वीडियो है, तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आज अंतिम चरणों में चल रहा है। 2023 के दिसंबर मास में अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो चुका होगा। भाइयों बहनों, यह भारत का राष्ट्र मंदिर है जिसमें समाज के हरेक तबके को भरपूर सम्मान मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। ANI ने सीधे निर्माण स्थल से ग्राउंड रिपोर्ट दी, जिसमें परिसर और राम मंदिर की पहली झलक देखने को मिल रही है। राम मंदिर का निर्माण तेजी से पूरा करने में मंदिर निर्माण में लगी कार्यदायी संस्थाएं जुटी हुई हैं। कोशिश हो रही है कि दिसंबर 2023 से पहले ही मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि राम मंदिर निर्माण की प्रगति संतोषजनक है, निर्माण कार्य तय समय में पूरा हो जाएगा। गर्भगृह के आसपास चारों ओर दीवारें तैयार हो गई हैं। मंदिर की भाषा में इन दीवारों को मंडोवर कहा गया है। ये दीवार भी पत्थरों की ऊंचाई के अनुसार एक साथ ऊपर चल रही है। गर्भगृह के चारों ओर की दीवार के बाहर परिक्रमा मार्ग, वो भी बराबर साथ साथ ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। तो गर्भगृह में खंभों के चारों ओर दीवार के चारों ओर परिक्रमा मार्ग, तीनों साइमल्टेनियस ऊपर जा रहे हैं। आपके ध्यान में आ गया होगा कि गर्भगृह में सफेद पत्थर लगा है, वो मार्बल है, मकराना का व्हाइट मार्बल है। और मैं उसको कहूंगा क्लास 1 बेस्ट क्वालिटी का मार्बल है। गर्भगृह की दीवार भी मार्बल की होंगी, खंभे भी मार्बल के होंगे और फ्लोर फर्श भी मार्बल का ही होगा। गर्भगृह को छोड़कर गर्भगृह के अतिरिक्त 5 मंडप और होंगे। तीन मंडप प्रवेश द्वार से गर्भगृह की ओर, और 2 मंडप अगल बगल, वहां भी आप गए हैं, अगल बगल बाहर निकला हुआ है वो स्थान। 2 भुजाएं निकली हुई हैं उत्तर दक्षिण में, ये 2 मंडप है, उन्हें कीर्तन मंडप कहा गया है। मंडपों के नाम अलग 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 रखे गए हैं पहचान करने के लिए। तो ग्राउंड फ्लोर तक का ही विचार हो अगर, तो काम में बहुत संतोषजनक प्रगति है।
हाँ फ्रेंड्स, तो बहुत ही सुंदर 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 और खुशखबरी वाली वीडियो फ्रेंड्स, हम कलयुग में ही त्रेता युग को अनुभव करने वाले हैं। त्रेता युग में हमारे श्री राम भगवान माँ कौशल्या के गोद में आए थे फ्रेंड्स, अयोध्या में राजा दशरथ जी के घर पे प्रकट हुए थे हमारे श्री रामलल्ला, हमारे श्री परम पिता परमेश्वर, हमारे राम फ्रेंड्स। तो आप कलयुग में अगर त्रेता युग का अनुभव करना चाहते हैं, तो जब ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और रामलल्ला का दर्शन करने के लिए रामलल्ला का दरबार हम लोगों के लिए खुल जाएगा, तब हम लोगों को ऐसी ही अनुभूति होगी कि हम त्रेता युग में है और हमारे राम भगवान प्रकट हुए हैं। क्योंकि बहुत सालों के वेट के बाद ये हमारा मंदिर जो था ना फ्रेंड्स, पहले बाहर से जो आक्रमणकारी आए उनकी भेंट चढ़ गया, फिर राजनीति की भेंट चढ़ गया फ्रेंड्स हमारे श्री रामलल्ला का मंदिर। और बहुत टाइम से हमारे रामलल्ला जो थे ना फ्रेंड्स, वो टेंट पे थे, अब हमारे रामलल्ला अपने मूल स्थान पे होंगे और उनका भव्य मंदिर होगा हो रहा है फ्रेंड्स। और इस वीडियो में मंदिर की डिटेलिंग बताई गई फ्रेंड्स के इसी हिसाब से, यानी बहुत ही वैभवशाली भव्य मंदिर बन रहा है। क्योंकि अयोध्या के तो लल्ला तो थे ही फ्रेंड्स, लेकिन राजा भी थे, तो उनका स्वागत हम भक्त फ्रेंड्स तन मन धन से करेंगे। और वो मेरे को लगता है पहली दिवाली मनाई गई थी जब अयोध्या से लंका से श्री राम भगवान रावण को मार के आए थे। और अब जिस दिन इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, लेकिन जिस दिन हमारे राम लल्ला का ये मंदिर हम भक्तों के लिए खुल जाएगा ना, उस दिन मेरे को लगता है सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। कि जब हमारे राम लल्ला फ्रेंड्स मंदिर में विराजमान होंगे और इतना भव्य से राजा राम दिखने चाहिए हमारे भगवान, राजा राम के अवतार में, राम लल्ला के अवतार में, और अनगिनत जो भगवान की झांकियां है वो अयोध्या में हुई है फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ें हम उसी दिन अनुभूति कर पाएंगे जिस दिन हमारे राम लल्ला का दरबार है वो हम भक्तों के लिए खुल जाएगा फ्रेंड्स। तो बहुत ही सुंदर सी वीडियो थी, आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भी अच्छा लगे तो कमेंट्स भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब नहीं भूले फ्रेंड्स। अब मिलते हैं ऐसे ही किसी सुंदर सी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।